हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है होमिंग इन सावन। होमिंग क्या होता है? होमिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच सम एडल्ट एनिमल रिटर्न टू देयर बर्थ प्लेस टू रिप्रोड्यूस। होमिंग वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कुछ एडल्ट एनिमल रिप्रोडक्शन के लिए अपनी बर्थ प्लेस पर वापस लौटते हैं। दिस प्रोसेस इज प्राइमरली यूज बाय एक्वेटिक एनिमल सच एज सी टर्टल एंड पैसिफिक सामन। द मेन एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इज क्यू यूज बाय द एनिमल्स आर जियोमैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग एंड ऑल्फैक्टरी क्यूज। होमिंग के प्रोसेस में कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसके साथ ही कुछ बॉडी के मैकेनिज्म की होमिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। द माइग्रेशन ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक सामन फ्रॉम द ओशन टू द फ्रेश वाटर स्पॉनिंग हैबिटेट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम माइग्रेशन इन द एनिमल किंगडम। इस वीडियो में हम सामन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सामन जो है एनिमल किंगडम में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें कि होमिंग का प्रोसेस पाया जाता है। द लाइफ साइकिल ऑफ ए सामन बिगिंस इन अ फ्रेश वाटर स्ट्रीम। दे माइग्रेट टू द ओशन। When they become sexually mature, salmon return to the same stream where they were born and start to spawn. जो सामन की लाइफ साइकिल है वो फ्रेश वाटर स्ट्रीम में स्टार्ट होती है, वहाँ से वो ओशन मीन समुद्र की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। वहाँ पे समुद्रों में ये 4-5 साल तक रहते हैं और जब ये सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं तो रिप्रोडक्शन के लिए ये दोबारा से उसी स्ट्रीम में आते हैं जहाँ पे कि ये पैदा हुए थे, जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, और यहाँ पे ये स्पॉनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, वैसे फिशेज में दो तरीके के माइग्रेशन पाए जाते हैं, कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस। और ये जो माइग्रेशन होते हैं वो कई तरीके से, बहुत से रीजंस की वजह से होते हैं, जिनको हम गैमेटिक माइग्रेशन की कैटेगरी में, सीजनल माइग्रेशन हम इसे बोल सकते हैं, और फीडिंग के लिए भी माइग्रेशन होता है। नाउ अ फिश मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाई नंबर ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ माइग्रेशन। एक फिश के माइग्रेशन पे एनवायरनमेंट के फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये फिजिकल फैक्टर्स हैं क्वालिटी ऑफ वाटर, डेप्थ, ओशनिक करंट, टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। केमिकल फैक्टर्स आर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन मीन्स पीएच ऑफ वाटर, डिजोल्व ऑक्सीजन, सैलिनिटी एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। एंड बायोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन आर सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड एंडोक्राइन सिस्टम, सोशल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू प्रीडेटर, कॉम्पिटिटर्स एंड बायोलॉजिकल क्लॉक। नाउ हम इस वीडियो में सामन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सामन में क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं? सामन आर फेमस फॉर देयर होमिंग माइग्रेशन फ्रॉम ओशनिक फीडबैक ग्राउंड टू देयर नेटल बर्थ प्लेस रिवर टू स्पॉन। मतलब जो सामन है उसमें माइग्रेशन ओशन से रिवर की तरफ होता है। ओशन उनका फीडिंग ग्राउंड होता है जबकि रिवर में वो स्पॉन करती हैं। सामन शोज एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन मीन्स फिशेज लिव्स इन द सी एंड माइग्रेट इनटू द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग और फीडिंग एटसेट्रा। नाउ many hypotheses have been proposed to explain these phenomena of homing in salmon. Some of these are given as below. salmon में homing के process को समझाने के लिए बहुत सारी hypotheses समय समय पर दी गई, उनमें से कुछ मुख्य हैं olfactory hypothesis, then internal biological clock mechanism, sun compass mechanism, ग्राउंड वाटर सीपेज हाइपोथीसिस, फेरेमोन्स, टाइडल ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। नाउ वी कम टू द फर्स्ट हाइपोथीसिस, दैट इज ऑल्फैक्टरी हाइपोथीसिस। इस हाइपोथीसिस के हिसाब से सामन में जो होमिंग का प्रोसेस होता है, जो माइग्रेशन का प्रोसेस होता है, वो उनके ऑल्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स सामन में होमिंग का प्रोसेस, सामन के होमिंग के प्रोसेस में उनकी घ्राण शक्ति मीन्स सूंघने की शक्ति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑल्फैक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ होमिंग इन सामन। फिशेस हैव extremely strong sense of smell and imprint of the odor of their natal stream as they are migrating down stream. Fishes mein smell ki bahut hi
स्ट्रॉन्ग सेंस होता है और ये जो ऑर्डर होती है वो इनमें इम्प्रिंट हो जाती है। इम्प्रिंट मतलब कि जब ये बहुत यंग होते हैं तो जिस तरीके के वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं उसकी ऑर्डर को ये पूरी ज़िंदगी भर भी नहीं भूल पाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथीसिस फिशेज कैन रिकोगनाइज देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट एंड माइग्रेटरी रूट बाई स्मेलिंग स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द एनवायरमेंट। ऑर्डर मीन्स स्मेल। दिस ऑर्डर इज़ डिपेंडेंट ऑन द बॉटम लैंडमार्क दैट इज़ टोपोग्राफी। ये जो स्मेल होती है वो बॉटम लैंडमार्क मीन्स की जो इनके बॉटम का लैंडमार्क होता है उसकी जो टोपोग्राफी होती है किस टाइप का वेजिटेशन है इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल सॉइल टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड स्प्रिंग ऑन विच बायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स मीन्स वाटर बॉडी एक्वायर इट्स ऑर्गेनिक क्वालिटी। इन सब के ऊपर फिशेज का माइग्रेशन डिपेंड करता है। इनकी जो स्मेल होती है वो फिशेज के माइग्रेशन को प्रभावित करता है। दिस वॉज नेम्ड स्ट्रीम फैक्टर बाय द साइंटिस्ट। और इन वाटर की इन क्वालिटीज़ को साइंटिस्ट के द्वारा स्ट्रीम फैक्टर का नाम दिया गया। यूजिंग दिस मेमोरी ऑफ द ऑर्डर मीन्स इस ऑर्डर को इस स्मेल को याद करके दे आर एबल टू रिटर्न टू द सेम स्ट्रीम ईयर लेटर। मतलब बहुत सालों बाद भी ये जो है वो उस स्ट्रीम में वापस लौट आती हैं। केमिकल्स हैव बीन प्रूवन टू बी अ रिलायबल नेविगेशनल टूल फॉर यंग सामन। यंग सामन के नेविगेशन में मींस रास्ते को खोजने में केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल होता है जिसको कि वो सूंघकर महसूस करती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इफ द फिशेज आर कैप्ट असाइड फॉर लॉन्ग टाइम फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्डर दे रिकॉग्नाइज देयर स्पेसिफिक ऑर्डर अमंग मिक्सचर ऑफ वेरियस ऑर्डर। इफ वी हिंडर दैम फॉर स्मेलिंग दे कांट रिकॉग्नाइज देयर एक्चुअल पाथ एंड कांट माइग्रेट। मीन्स इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है और यदि हम उनकी इस स्मेलिंग में कोई रुकावट पैदा कर दें तो वो माइग्रेट भी नहीं कर पाती हैं। दस इन सामन ऑन इन्फेक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिटर्न टू इट्स होम। एडी हेजलर हैज़ एसोसिएटेड द ऑल्फैक्टरी हाइपोथीसिस विद इम्प्रिंटिंग एंड रिगार्डेड इट एज अ सेंसरी बेसिस फॉर होमिंग। एडी हेजलर ने ऑल्फैक्टरी हाइपोथीसिस को इम्प्रिंटिंग के साथ में जोड़ा और उन्होंने ये बताया कि सामन के अंदर बहुत अर्ली एज के अंदर ही जब वो बहुत यंग होती हैं तो इस स्मेल की इम्प्रिंटिंग मीन्स की अध्यांकन हो जाता है। ही हैज़ सजेस्टेड दैट सामन में लर्न टू रिकोगनाइज द ऑर्गेनिक क्वालिटी ऑफ वाटर इन अर्ली डेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एंड दिस मे बिकम इम्प्रिंटेड फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ। पेलियोकॉर्टेक्स इज अ डोमिनेंट पार्ट ऑफ द फिश ब्रेन एज इट रिसीव्स इम्पल्सिस फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी टिश्यूज। दस अकॉर्डिंग टू ऑल्फैक्टरी हाइपोथीसिस होमिंग इन सामन इज ड्यू टू बाई आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक ऑर्डर मॉलिक्यूल ऑफ द रिवर बाई आइडेंटिफाइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर एट रिवर माउथ बाई डिटेक्टिंग द ऑर्गेनिक नेचर ऑफ आइलैंड वॉटर बाई आइडेंटिफाइंग करंट एंड साउंड वाइब्रेशन। इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट एयरबोर्न ऑर्डर ऑफ सी कुड ऑल्सो बी अ गाइडिंग फैक्टर इन माइग्रेटिंग सामन। Now we come to the next hypothesis that is internal biological clock means fishes के अंदर और हर animal में एक internal biological clock present होती है जो कि उनके बॉडी के मैकेनिज्म को रेगुलेट करती है। सामन इज एबल टू एडजस्ट इट्स कोर्स ओरिएंटेशन थ्रू इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक। लाइट एंड टेम्परेचर साइकिल आर द टू मेन सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल टू सर्टेन बायोलॉजिकल क्लॉक। सीजन्स एंड डेज आर डिटरमाइंड बाय द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड दिस बायोलॉजिकल क्लॉक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द माइग्रेशन ऑफ दीज फिशेज। नाउ द थर्ड हाइपोथीसिस इज सन कंपास मैकेनिज्म। इट इज also concluded by the scientists that fishes uses solar cues means solar factors to orient during open water migration and azimuth and altitude play a very important role for during the process of migration. Open water migration in salmon may be detected by a sun compass mechanism. Now the next is groundwater seepage hypothesis and this hypothesis was given by Hardin Jones in 1980 and Herbert Aron in 2016 gave the hypothesis that some salmon homing to area with groundwater seepage means ki groundwater seepage play a very important role in the process of homing in salmon. Now the pheromones play a very important role in identifying the spawning areas. Like the tidal transport also play a very important role in identifying the spawning area. Salmon also use the earth magnetic field to navigate
सामन जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी नेविगेशन में यूज़ में लेती है. जियो मैग्नेटिक क्यूज एंड इम्प्रिंट दैट अलाउ दैम टू रिटर्न टू देयर बर्थ प्लेस. जियो मैग्नेटिक करेक्टर्स जो कि उनकी बॉडी में जो जियो मैग्नेटिक फील्ड के जो करेक्टर्स होते हैं वो उनको बर्थ प्लेस में रिटर्न करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मीन्स होमिंग के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दीज एनिमल्स हैव जियो मैग्नेटिक मैप इम्प्रिंटेड इन द ब्रेन दैट गाइड दैम फॉर होमिंग. मीन्स ये जो जियो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, सोलर सिस्टम के जो क्यूज होते हैं, ये होमिंग के प्रोसेस में इन एनिमल्स की बहुत मदद करते हैं. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा. थैंक यू.